A very happy morning to one and all present here. I, on behalf of SBI Maheshwari Vidyapeeth, extend a hearty welcome to Principal Mrs. Sarika Singh, special guest CA Rishabh Dandaliya, and his associate Ms. Payal Shrivan, and all my dear students and teachers. Today we have all gathered here to listen to CA Mr. Rishabh Dandaliya, who would guide you, counsel you for career opportunities. So to begin with, I request Principal Mrs. Sarika Singh to felicitate Mr. CA Rishabh Dandaliya with a memento. जो
हार्डवेयर हमारे पास है उसमें साउंड नहीं होगा, एक दो जगह साउंड का, तो आप खुद इमेजिन कर लेना अगर साउंड बज रहा है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ही सीन्स और डायलॉग्स है जहां पे आपको समझ आ जाए. सो दैट्स ओके, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट. सो नॉर्मली जब हम करियर की बात करते हैं तो बेसिक थॉट प्रोसेस यही होता है. क्या होता है थॉट प्रोसेस के हम कभी बिल्डिंग में लिफ्ट में उतर रहे होते हैं, ठीक है, एंड कोई अंकल कोई आंटी मिल जा रहे हैं और पूछते हैं और बेटा क्या कर रहे हो आजकल, ठीक है, और बेटिया क्या कर रहे हो आजकल, एंड देन ऑफ कोर्स वी गेट फ्यू इंसाइट्स फ्रॉम देयर. वो क्या बोलते हैं, अरे ये वाला कोर्स कर दो इसमें आजकल बहुत पैसा, ठीक है, या फिर हमारे उस रिलेटिव ने ऐसा किया था एंड उन्होंने उस पर खूब पैसा कमाया. सो बेसिक थॉट प्रोसेस यही होता है जो राजू बोल रहा है. आई थिंक वॉइस में भी विजिबल है, लेकिन दिस दैट्स द बेसिक थॉट प्रोसेस. व्हेनेवर नॉर्मली 70-60% लोग अभी भी जब करियर चूज करते हैं तो ये बेसिक थॉट प्रोसेस उनका हमेशा रहता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाला लागू हो जाता है कि मतलब ऐसा कुछ इमीडिएट सोचे नहीं है लेकिन अभी सोचे, क्योंकि जो लोग पैसा नहीं देख रहे वो देखेंगे यार आराम से करेंगे, अभी तो लेवल स्टार्टेड में है, अभी तो 12th जुलाई आया है, अभी हमारे पास बहुत समय है, वी विल चेक इट राइट. तो देयर आर अदर कैटेगरीज जो मुन्ना भैया की कैटेगरी में आते हैं कि पापा ऐसा कुछ इमीडिएट सोचे नहीं है लेकिन सोचेंगे. आई थिंक मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की कि ये कौन है और कैसे आप लोग हमसे ज्यादा प्रो है इसमें, ठीक है. एंड फिर बाई चांस हम या तो डिले हो जाते हैं या फिर हम पैसे के बेस पे अगर चूज कर लेते हैं तो अक्सर फिर ये हालत होती है. तो ये देखो ऐसे क्या है ना, आप लोग सेंसी हो सब, तो बिना नींद के कुछ हो ऐसा मजा नहीं आता है, तो वही वाला पार्ट थोड़ा देख रहे हैं. लेकिन थैंक्स टू आई थिंक MVP अथॉरिटीज, ऐसा मैं बोला बट MVP डिसाइडेड कि हम करते हैं प्रबंध, ठीक है. सो आप चिंता मत करिए. सो मैम इज हियर एंड मैम ने प्रबंध किया एंड वी आर हियर टू शेयर आवर इनसाइट्स विद दिस. सो दैट इज आवर टुडेज एजेंडा. आई थिंक इट इज अ 4-point थिंग. हम कोशिश करेंगे हम फटाफट चारों ही पॉइंट्स पे इनसाइट्स दे पाए आपको. फर्स्ट पॉइंट भी हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर करियर सिलेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम 11th में हैं 12th में हैं, कई बार हमें क्लैरिटी नहीं मिली कि कैसे बेस, तो इज देयर एनी वे आउट जिसके बेसिस पे हम लोग बेसिकली हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस रिलेटेड टू आर करियर सिलेक्शन. सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस करियर ऑप्शंस, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो लोग अक्सर क्या करते हैं कोर्सेज के बारे में सोचते हैं, बट एक्चुअली कोर्सेज के बारे में नहीं, हमें सेगमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है. वो क्या होता है आई कवर अप इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन. थर्ड इज वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज, क्योंकि हम जिस सिटी को बिलोंग करते हैं वो थोड़ा उसका अब भी है एंड ऐसे कई लोगों की रिक्वेस्ट भी रहती है रिगार्डिंग दैट. बहुत सारे जनों को MBA प्लान करना होगा बट दैट इज अ लेटर स्टेज, तो उसके लिए हम क्या तैयारी अभी से कर सकते हैं सो दैट आप अच्छे स्कूल पे पहुंच. दिस इज द प्राइमरी एजेंडा जो हम अभी नेक्स्ट 60-odd मिनट्स जैसे में ट्राई करेंगे कवर. सो इफ वी स्टार्ट, ये भी एक अक्सर प्रॉब्लम होती है कि चूजिंग अ करियर बिकॉज ऑफ शर्मा जी का लड़ना, ठीक है. अब शर्मा जी वैसे तो वर्ल्ड कप जीत गए हैं, अभी तो शर्मा जी के लड़के प्रो है बहुत, लेकिन हमेशा शर्मा जी के लड़के ने कुछ चूज किया है तो हम करेंगे, वो नहीं वो जरूरी नहीं है. तो ये बेसिकली ध्यान में रखना है. तो हमको क्या देखना चाहिए, लव स्किल दिमाग. आई मीन विजिबल है सब लव स्किल दिमाग, ठीक है. ये क्या है, हम सबने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जापानीज का, डेफिनेटली सोशल मीडिया का जमाना है, ई
इकिगाई इज बेसिकली आप अपना कोर जो आपका सबसे स्ट्रेंथ एरिया है ठीक है उसको मैच करो बाहर के बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से और उसके बेसिस पे चीजें वर्क करो उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है एंड वी हैव कन्वर्टेड इट टू व्हाट लव स्किल डिमांड एक बार मेरे साथ बोलेंगे वापस क्या लव स्किल एंड डिमांड अगर हम एक और कारण तो कारण अच्छा होगा देखो एक लर्निंग भी होती है इससे कि कभी आप भी कहीं कुछ एड्रेस करते हो और ऐसा हल्का हल्का चेंज हो तो उसका नोट भी लेने का चेहरे पे मुस्कुराहट मुंह पे मिश्री और सर पे बर्फ ये हमेशा ध्यान में रखना है तो हमारी चीजें आराम से खुद ब खुद अच्छे से बैठ जाती है सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट लव स्किल एंड डिमांड अभी लव स्किल डिमांड क्या है वो समझते हैं आप ठीक है उस वेन डायग्राम में हम लोगों को ये मेंशन किया है थिंग्स दैट वी लव थिंग्स दैट वी आर गुड एट एंड थिंग्स दैट आर इन डिमांड कभी भी हमारा आइडियल कॉम्बिनेशन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल थ्री थिंग्स मतलब जो हमें पसंद है जो हमारा स्किल सेट भी है और जो अभी डिमांड में भी है तो ऑफ कोर्स ये सवाल आता है कि सर पता कैसे चलेगा कि हमारा लव क्या है हमारे में कौन सी स्किल सेट है और अभी डिमांड में क्या है हम उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे जरा सो देखो ये पॉइंटर्स ये भी बहुत अच्छी बात है मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे जन बुक और पेन लेके बैठे हैं तो आपको जहां पे लगे इसको जरूर नोट डाउन कर लेंगे तो ये अभी तो बहुत शुरुआत में अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा और थोड़ी देर बाद हम भूल जाएंगे सो व्हेनेवर यू फील व्हाटएवर यू फील यू मे नोट इट डाउन तो ये कुछ पॉइंटर्स है हाउ डू वी आइडेंटिफाई व्हाट वी लव व्हाट आर वी गुड एट एंड व्हाट इज इन डिमांड अभी हमें पसंद कैसा और क्या है वो कोई और बताएगा कि हम खुद बता पाएंगे बताइए सर हम खुद बता पाएंगे सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ इन दिस सेक्शन और आपको खुद का बिहेवियर खुद के पैटर्न एनालाइज करने हैं तो आपको उससे पता चल जाएगा कि यार क्या पसंद है इट कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट्स यू लर्न टू द थिंग्स यू वर्क जैसे कि अगर हम लोग ये देखें कि अभी कॉमर्स में हमारे मोटा मोटी 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एक ऑप्शनल है एक लैंग्वेज है बट आपको मैथ बहुत पसंद है या आपको एंटरप्रेन्योरशिप बहुत पसंद है और आपको अकाउंट्स बहुत पसंद है तो वो थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि यू आर गुड एट नंबर क्रंचिंग आपको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है आपको बिजनेस स्टडीज बहुत पसंद है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको शायद मैनेज करना ज्यादा बेटर लगता है एज कंपेयर टू नंबर क्रंचिंग सो ये मैंने प्राइमरी एग्जाम्पल दिया ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप खुद की बिहेवियर को पैटर्न को डिसीजन मेकिंग के तरीके को मैच करेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा जैसे कि वी हैव लिस्टेड आउट ऑफ फ्यू थिंग्स पहला क्या है नो योरसेल्फ फॉर बेटर दूसरा क्या है अगर आप देखेंगे तो रिकलेक्ट योर एक्सपीरियंस ठीक है और साथ में कॉशन भी दिया हुआ है क्योंकि अगर मैं अभी बॉयज की तरफ रुख अपनाऊंगा तो आपको सब्जेक्ट बोलेंगे सर पसंद तो क्रिकेट ही तो क्रिकेट में कुछ हो सकता है क्या बताइए या फिर आजकल आईजी का जमाना है इंस्टाग्राम का सो बहुत सारे लोग डेफिनेटली वो भी होंगे जिनको इन्फ्लुएंसर बनना होगा बट यहाँ पे कॉशन है कि जो आपको पसंद है वो आप आगे कब बढ़ सकते हैं जब आपके पास रेलेवेंट स्किल सेट है उस चीज को कवर तो सर स्किल्स क्या है स्किल्स आर बेसिकली अ वे वाया विच वी कैन अचीव अ गोल जैसे कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छे से आती है तो वो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकता है किसी को नंबर क्रंचिंग बहुत अच्छे से आता है तो वो अकाउंटिंग और फाइनेंस बहुत अच्छे से कर सकता है किसी को कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आता है तो वो मीटिंग्स को लीड बहुत अच्छे से कर सकता है किसी का क्रिएटिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो चीजों को वो यूनिक तरीके से प्रेजेंट कर सकता है तो हर एक करियर गोल में कुछ ना कुछ स्किल सेट का रिक्वायरमेंट होता है जैसे कि
अगर हम लोग कोई भी टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स पकड़ लेते हैं जैसे CA, CS, CMA, CFA, ACCA, ये सारे ही नंबर क्रंचिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई बंदा आएगा अपना प्रॉब्लम लेके, सर टैक्स में ये कांड कर दिया, अब बताइए आप कैसे इससे बेटर कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सेक्शन को एनालाइज करना होगा, उसका एनालिटिकल स्किल्स को लगा के आर्टिकुलेट करके हम लोगों को एक सॉल्यूशन देना होगा। तो ये स्किल सेट की बात है, स्किल सेट मतलब द थिंग्स दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू अचीव अ मींस ऑफ अ करियर। एंड थर्ड चीज क्या आ जाएगी हमारी, डिमांड। अब डिमांड क्या होता है वो आप अपने आप से नहीं पूछ सकते, किससे पूछेंगे, बाहर वालों से, ऑल दोस हु हैव बीन देयर डन दैट। फर्स्ट थिंग आपको करनी चाहिए इसमें, टॉक टू योर मेंटर्स, आपके स्कूल के टीचर्स, आपके बड़े भाई बहन, बिल्डिंग में कोई जन है जिन लोगों ने कर रखा है, आपके कोई फैमिली रिलेटिव है जो कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, बात करने से बात बनती। जितना आप लोगों से बात करोगे वो आपको प्रैक्टिकल रियलिटी बताएंगे अबाउट दैट करिकुलम, एंड उससे आपको काफी अंदाजा आएगा कि ये मेरे लिए सही बैठता है कि नहीं बैठता। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लो, ऐसा कई बार दिमाग में लोगों के रहता है कि यार सीए तो बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं पहले से ही कि सीए तो ना हो पाएगा क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एंड इसकी जगह अभी अभी किसी ने जस्ट क्लियर किया है या फिर जो सीए बन चुका है जिसको 2-3 साल हो गए हैं, आप उससे एक्सपीरियंस देखोगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएगा कि यार डिफिकल्ट जरूर था बट वर्थ इट। बाद में जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो मजा आता है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लेवल। ये हर एक प्रोफेशनल कोर्स में लागू होता है, सीए का मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, बट जब आप रियलिटी लोगों से बात करोगे तो आपको पता चलेगा। एंड ऑल्सो एक और चीज डिमांड में क्या देगी, अगर आप देखेंगे तो कि करेंट सिचुएशन चेंज हो रही है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आज से 10 साल पहले बहुत सारे लोगों का एक करियर ऑप्शन होता था बैंकिंग में था, और हमें बैंक में जॉब करना, बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले 10-15 सालों में बैंकिंग में कोर जॉब्स खत्म हो जाए, क्योंकि आई थिंक आप लोग सब जो है वो आराम से जीपे या क्यूआर कोड स्कैनर या इवन नेट बैंकिंग इजीली चला सकते, हम लोग मोटा मोटी चला लेते, लेकिन हमारी जो फादर लोगों की जनरेशन है वो अभी भी ट्रेडिशनल बैंकिंग में कंफर्टेबल है, बट धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे ग्रो होंगे वही लोग आएंगे जिन लोगों को ये करना है। तो बेसिकली बैंक्स में ऐसे लोग जो हमको हेल्प कर रहे हैं रिलेटेड ट्रांसफर करना और वो सब जॉब्स खत्म हो गए, सिर्फ एक टेक वाला जॉब रहे जो सिस्टम में वर्क कर रहा है, जो बैक एंड में वर्क कर रहा है, और एक रिस्क असेसमेंट मान रहेगा जो ये देख रहा है कि लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसा अगेन सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आने वाले समय में डिमांड में रहने वाली है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली बात करें अपने सीनियर से, मेंटर से, सो दैट आपको आइडिया। अब मैं तीनों को कंबाइन, मैंने अभी 2-2 मिनट सबको इंडिविजुअली बताया कौन कौन सी तीन चीजें जी बताइए, जो अगर आपके पास अभी नहीं भी हो तो आप अपनी एज के उस जंक्शन पे है कि उस स्किल को आप डेवलप कर सकते। जैसे कि हो सकता है कोई कम्युनिकेशन में इतना अच्छा नहीं हो, किसी को बोलने में थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन आप अभी उस स्टेज पे है कि स्कूल में जो भी कॉम्पिटिशन हो, बिल्डिंग में जो भी कॉम्पिटिशन हो और कहीं में जो भी कॉम्पिटिशन हो, आप उसका हिस्सा हो। शुरू में सबके साथ ऐसा होगा कि आपको बहुत डर लगेगा, आप थरथराओगे, आपको टेंशन होगी, बट वो प्रोसेस है इवेंचुअली ऐसे कंफर्ट जोन में आने के लिए कि आप कंफर्टेबली अपने आप को प्रेजेंट है। तो यू आर इन दैट एज, ये चीज कोई अपने 30s में या 40s में है उसको बोलेंगे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट सिंस यू आर इन योर टीनेज आपके लिए बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्किल सेट का डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से कर सकते। सो लव मतलब जो चीज हमें पसंद है, स्किल मतलब द थिंग
are good at and demand मतलब जो चीज अभी बहुत demand में है. इसमें एक और point भी दिया हुआ है कि आप देखोगे तो current scenario pattern से हम लोग कब independent हुए थे? अभी हमारा अमृत काल चल रहा है आजादी 2022 से 2047 अमृत काल 75 years से 100 years तब 25 years का है. And our government has kept a target कि by 2047 we need to be what? A developed country. और developed economy, developed country कब बन पाएंगे? जब लोगों का per capita income अभी जो है वहां से काफी raise होगा, क्योंकि developed economy के लिए सबसे पहले important होता है money या income at disposal है, वो अच्छी खासी होनी चाहिए. अभी मैं fraction की दस करने जा रहा हूँ, but perspective बताने की कोशिश कर रहा हूँ. तो वो कब होगा? जब business और service sector दोनों grow, और business और service sector grow होंगे तो सबसे ज़्यादा need किसकी रहेगी? Professionals की रहेगी, उन लोगों की रहेगी जो commerce में services दे सकते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे complexities business में बढ़ती जा रही है. हम देख रहे हैं GST आया, फिर GST को बार-बार evolve किया जा रहा है ताकि हम एक सही जगह पे पहुँच पाएं. तो बहुत सारी changes आए. अब normal business में धंधे पे focus करना चाहेगा ना कि इन complexities पे, उसके लिए किसकी नीड रहेगी? Professionals की नीड. उसके लिए किसकी नीड रहेगी? ऐसे लोगों की नीड रहेगी जिन लोगों को solution पता. And इसके लिए आप जब loves के demand को combine में डालोगे तो बहुत अच्छा होगा. जैसे कि आप तो number crunching पसंद है, आपके पास वो skill set भी है और वो चीज डिमांड में भी है, तो आपका एक आइडियल करियर बैठ जाएगा, जो कि मैं लेटर पार्ट में बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है. अब इसमें क्रिकेट का एग्जांपल क्यों लिया था? क्योंकि देखो पसंद तो सबकी है, बट इंडिया में कितने जन खेलते हैं? मतलब ओवरऑल अगर हमारी टीम देखे तो 15 जनों की टीम होगी, ठीक है. साथ में हम आईपीएल की सारी टीमों को जोड़ लें तो भी, टोटल रणजी की भी सारी टीमों को जोड़ लें तो भी 5-7-10 हजार लोगों से ज्यादा है. नाउ लुक एट आवर करंट पॉपुलेशन and the number of people they will eventually fall. तो demand में उसके थोड़ा question mark आ जाता है, also skill set में भी question mark आ जाता है, क्योंकि हम building में छक्के मार रहे हैं तो building के विराट कोहली, but ground पे हम वही चीज perform कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है. तो whenever you choose that, सिर्फ fascination से choose ना करें, ये भी check करें कि आपके पास skill set है, आपके पास क्या required means जो चाहिए वो है. If not हमें work करना है उसपे तो वो ध्यान रखें. और third thing और कि क्या वो relevant demand में भी है कि नहीं, तो ही combination होगा. क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम आजकल trend देखते हैं, एक revolution चल रहा है. revolution ये चल रहा है कि हमारे मम्मी पापा भी social media पे आए, ठीक है, वो लोग Facebook पे आए तो हम लोग Facebook से Instagram पे आ गए. अब वो लोग Instagram पे आ रहे हैं तो हम लोग और कोई माध्यम सोच रहे हैं कि हम वहां चले जाएं ताकि वो हमें देख ना पाए कि हम क्या करें. But what I mean to say is कि वो लोग धीरे धीरे क्या चल रहा है वर्ल्ड में वो पता कर पा रहे हैं. एंड इसीलिए आजकल आप ट्रेंड देखोगे तो मोटा मोटी पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बेटा तुझे जो पसंद है वो कर. बट मुझे ऐसा लगता है उसमें दो चीज और ऐड करनी चाहिए, जो पसंद है वो तो करें लेकिन ये चेक करें साथ में कि क्या आपके पास स्किल सेट वाला है. नहीं है तो आप उस एज पे हो कि आपको उसको डेवलप करना चाहिए. एंड थर्ड थिंग, क्या वो रेलेवेंट डिमांड में भी है या नहीं, इसको पूरा कंबाइन करेंगे तो आई थिंक हमारा ये जो आइडियल करियर है वो बन जाएगा. दैट इज करियर स्वीट स्पॉट. और कई बार ये चीज पता है किससे होगी? अब कल बादाम खाने से नहीं भजीर खाने से आती है. इसका मतलब कि कई बार आप चीज ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये मेरे लिए नहीं है. मे बी जैसे कि हो सकता है किसी को ऐसा हो कि यार उसको फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट, पर दो तीन बार जब भी फैमिली की ग्रुप पिक ली तो उन्होंने आपको ताने ही मारे, क्या फोटो खींची है, ढंग से तो लेता, इस साइड वाले को काट दिया, पूरा ब्लर आ गया है, ऐसा हो गया है, ऐसा. क्योंकि फैमिली में कुछ दो तीन जन तो पक्के होंगे जो जैसे ही हम फोटो खींचेंगे पहले रुक 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 मैं देखता हूँ मेरी बराबर आई है, हाँ हाँ अभी पोस्ट कर दे. बट मैं सिर्फ एग्जाम्पल से प्रूव कर रहा हूँ कि मन बहुत था फोटोग्राफी करने, बट दो तीन चार बार जब भी हमने कोशिश की हमें कानों के अलावा कुछ नहीं, तो वहां से एक रिलेवेंस बेस बना
करियर ऑप्शन में भी डेफिनेटली सोच सकते हैं, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है मुझे क्या पसंद है, क्लैरिटी नहीं है मैं किस में अच्छा हूँ, क्लैरिटी नहीं है कि डिमांड में क्या, तो फिर डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ट्राई थिंग्स एंड ट्राई करके शायद आपको हो सकता है बैक सीट लेना पड़े, बट हम धीरे धीरे एनएपी की ओर जा रहे हैं, तो एनएपी बहुत आई थिंक जब आप ट्वेल्थ क्लियर करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आओगे तब आपको और बहुत ऑप्शन मिलेंगे सब्जेक्ट्स के, जहाँ से आपको कॉम्बो बिठाना होगा और उस कॉम्बिनेशन में आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से चीजें चूज कर पाओगे एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड्स। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट सेगमेंट जिसमें हमने आपको थोड़ी ये कोशिश की कि हम आपको क्या बताएं, हाउ टू डिसाइड योर इंटरेस्ट एज रिगार्ड्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री। इसमें कोई बाहर जाने का सोच रहा है तो जो लोग ऑलरेडी बाहर है उनसे बाहर, क्योंकि फैसिनेशन तो बहुत होता है, हमें मुंबई जाना है, पुणे जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, बट एक्चुअली जो लोग वहां पे हैं उनकी वास्तविकता आप जानोगे तो थोड़ा आपको बेटर इंसाइट मिलेगा, यार वो तो ये झेल पा रहा पर क्या मैं सुबह 8 से रात को 10 बजे तक कर पाऊंगा, क्योंकि कोई बड़ी सिटी में हो तो आपको ट्रैफिक का 1.5 घंटा आने जाने का ऑलवेज कंसिडर करना होगा, तो यू फिट इन टू दैट कैटेगरी, इफ नॉट देन पहले से ही आप डिसीजन आप लेंगे, इफ यस देन आप जाएंगे फिर आपको, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मेरा मानना, दिक्कत नहीं है मतलब ऐसे बहुत सारे जन होते हैं जो कहीं जाते हैं नहीं सही लगता है वापस आते हैं, चूज अ सेकंड ऑप्शन, टाइमली हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ आप 2 साल बाद के देख रहे हो मुझे ये नहीं करना तो वो नहीं चाहिए, तो आपको हमेशा क्या रहना पड़ेगा, थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा व्हाइल सिलेक्टिंग योर करियर बेस या करियर चॉइस इन ऑर्डर। तो क्या ये पहला सेगमेंट का आइडिया है, क्या तीन चीज कंसिडर करेंगे बोलिए, समय बिताएं, आपको जो बहुत अच्छे से जानते हैं उनके साथ चाय और कॉफी पे चर्चा करें, मौसम भी बढ़िया है आज तो बैठ ही सकते हैं आप, हो सकता है कि मौका ही मिल जाए चाय पकौड़े का आपको, ठीक है। सेकंड स्किल सेट आइडेंटिफाई करें, स्किल्स पे भी अगर आप देखेंगे तो एक लिस्ट दीजिए क्या क्या लिस्ट है, जरा रिव्यू कर, पहला क्या है कैलकुलेशन, दूसरा क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तीसरा क्या है कोलैबोरेशन स्किल, चौथा क्या है पांचवा छठा और सातवा बेसिकली, जो जवाब मिलेगा वही हो गया तो आप परफेक्ट हो जाओगे, पर इनमें से सब नहीं भी हो तो जो सिक्स्थ और सेवेंथ है वो हमेशा बहुत लगता है कि आज की डेट में अत्र तत्र सर्वत्र रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड हियर देयर एंड एवरीवेयर, कौन कौन सी है लास्ट दो स्किल्स, जो मौका मिले उसको गया करें, आप शुरुआत कर सकते हो बिल्डिंग में गणपति मंडप लगा हुआ है वहां पे कोई फंक्शन है उधर आपको कुछ मौका मिल रहा है बोलने का कर दीजिए, फिर स्कूल में कुछ मौका मिल रहा है क्लास में परफॉर्म करने का कर दीजिए, असेंबली के सामने आपको कुछ बोलने का मौका मिल रहा है कर दीजिए, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टेक्नोलॉजी स्किल्स में हम लोग प्रो है और Gen Z है, शॉर्ट फॉर्म निकालने में भी बहुत अच्छे हैं, सॉल्यूशन को सॉल्यूट बोलना, डिविजन को डिलू बोलना, इसमें आई थिंक आप बहुत कॉमन ये बेसिस है आपके, सो उसमें मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल आपको कंप्यूटर या टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को बहुत ही शार्पन करना होगा, क्योंकि आप कोई भी फील्ड चूज कर लें ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। ऊपर वाली चीजें ऐसी इंश्योरेंस जो आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई बर्थडे है और तुरंत आपको पकड़ लें यार इसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना है, अभी रात के 10 बज गए हैं 12 बजे प्लान करना है तो फटाफट कर लेना, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी, या फिर आपका खुद का नेचर ऐसा है कि कुछ डिस्कशन हो रहा है घर पे जहां पे कोई मैथ्स के कोई सम पे अटक गया है कोई छोटा भाई या वो लोग कुछ और चर्चा कर रहे हैं तो आपका नेचुरल सबकॉन्शियस माइंड ही उस पे पहुंच जाता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा हो, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेटर है। आपको जो छोटा सा एग्जांपल है, सिमिलरली आप कोई रेस्टोरेंट में बैठे हो या पानी पूरी वाले के पास पानी पूरी खा और आपने फटाफट ऐसा कैलकुलेशन कर लिया यार कि ये भैया ने तो पिछले 10 मिनट में 100 रुपीज का धंधा कर दिया है, उसके बिजनेस में देखूं तो 1 घंटे के हिसाब से 600 रुपये हो गए और 5 घंटे भी अगर ये ठेला लगा रहे हैं तो 3000 रुपये दिन का हो गया, तो महीने में मल्टीप्लाई करो तो 90,000 रुपये हो जाता है,
कुछ कॉस्ट होता नहीं है तो भी 70,000 बच जाए। ऐसा हो सकता है आपका दिमाग चल रहा है, ये चल रहा है तो मतलब क्या है, योर नंबर क्रंचिंग स्किल्स आर रेडी। ऑफ कोर्स इसको हम बड़े लेवल पे लागू करेंगे, बट मैं सिंपलिस्टिक एग्जांपल से सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक इन दैट। जब शादी में गए तो अभी हमारा पूरा जो आईजी का फील्ड है वो किससे भरा हुआ है, विद द सो कॉल्ड प्रो वेडिंग, ठीक है। अब कुछ उसमें क्या देख रहे हैं कि मुकेश भाई ने 5,000 करोड़ का खर्चा करा, तो टोटल लगा रहे हैं कि हाँ वो इटली में गए होंगे तो इतना लगा होगा, क्रूज पे जामनगर में इतना लगा होगा और भी मुंबई में इतना लगा, तो उनका फोकस नंबर्स की तरफ। और कुछ लोग क्या देखेंगे, यार इसका कॉस्ट्यूम बहुत बढ़िया था, ठीक है, उसने फोटोज बड़ी बढ़िया खिंचाई थी, इसने डांस बड़ा बढ़िया किया, तो वो लोग किसकी तरफ इंक्लाइन हो गए अपने आप, नेचुरली अगर देखे तो थोड़ा क्रिएटिव एंगल की तरफ इंक्लाइन हो गए। अगेन आई एम गिविंग यू डिफरेंट एग्जांपल्स सो दैट यू कैन जस्ट गेट टू नो योरसेल्फ बेटर, क्योंकि आप अपने आप को अपने बिहेवियर से पहचानोगे तो ही आपको थोड़ा बेटर तरीके से पता चलेगा कि क्या चीजें किस तरीके से वर्क करती है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लव स्किल एंड डिमांड। और उसके बाद हम आते हैं सेकेंड हमारे एजेंडा ऑफ डिस्कशन पे, विच इज के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, आप कहां पे हो अभी बताइए, और हमें इवेंचुअली हायर सेकेंडरी से कहां पे जाना है, ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल, उसके बाद क्या आता है पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स, और फिर क्या आता है फाइनली आता है पीएचडी। तो उसके बारे में बता दो फटाफट कैसे, वो अभी हमारा ऑन टॉप डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। इमीडिएट हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, वी मस्ट थिंक अपॉन व्हाट ग्रेजुएशन। सो हियर इज अ थ्री सेट ऑफ लिस्ट व्हिच इज अगेन जस्ट एन एग्जांपल, ये ऐसा नहीं है कि यही कोर्सेज है, बट ये कैटेगरीज है कि आप 12th के बाद क्या सिलेक्ट कर सकते हो। पहली हेडिंग क्या है बताओ बच्चों, दूसरी हेडिंग क्या है और तीसरी हेडिंग क्या है, अब थोड़ा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। पर्सपेक्टिव हमारा ये है बच्चों कि ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल और अदर्स, इसमें से मिनिमम दो हमें उठाने पड़ेंगे 12th से। तो या तो हम लोगों को क्या करना है, ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशनल उठाना, या फिर हम लोगों को क्या करना है, ग्रेजुएशन प्लस क्रिएटिव उठाना, और या तो हम अगर टॉप कॉलेज में जा रहे हैं बीकॉम बीबीए के इंडिया के, तो सिर्फ ग्रेजुएशन भी लगा सकते हो। बट करेंटली जो कॉम्पिटिशन लेवल है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, वो भी कोई नॉर्मल कॉलेज से करेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू। तो ये माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा अभी से ही कि आने वाला समय थोड़ा मेहनत का भी होने वाला है और मजेदार भी है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन में कौन से कोर्सेज दिखे रहे, बीकॉम बीबीए डीएमएस डीसीए, ये सब कोर्सेज ऐसे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी किससे कर रहे हैं उस पे उसका वर्थ पता चले, उस पे उसका वर्थ पता चले। उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है, क्या है सेकंड कैटेगरी, ये सब कोर्सेज ऐसे हैं कि पूरे इंडिया में, इनफैक्ट सीएफए जैसा कोर्स ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भी कर लीजिए उसका वर्थ सेम है। और थर्ड क्या है, क्रिएटिव फील्ड, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मैटर करेगा देन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आप क्या चूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको कैसा जाना है वो आइडिया है। जैसे कि ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक बीकॉम ऑनर्स डन फ्रॉम सूरत यूनिवर्सिटी एंड डन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस, बट CMA or CA done from Surat or from Delhi has no difference at all. Why? Because जो first case है उसमें university के basis पे work depend करता है,
और जो सेकंड केस है वो पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड की जगह दुनिया में इंसान एक्चुअली सेम ही और वाला टाइप से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फैशन डिजाइनिंग सुंदर डिजाइनिंग और स्टोरी टेलिंग इवेंट मैनेजमेंट बट ऐसे क्रिएटिव फील्ड्स में जाना है उन लोगों के लिए मैटर करेगा क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपका अगर टारगेट यही होना चाहिए जैसे ही ग्रेजुएट स्टैंडर्ड खत्म हो अलॉन्ग विद कॉलेज आप एक इंटर्नशिप कर रहे डेली 4-5 घंटा जहां पे आप ये प्रैक्टिकली लर्न करते हैं तो ये कैटेगरीज समझना बहुत जरूरी है इस पूरे में हमने कहीं एमबीए लिखा ही नहीं क्यों नहीं लिखा जवाब दीजिए पोस्ट ग्रेजुएट वेरी गुड तो अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें इसमें से क्या सिलेक्ट करना है अगर हम ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं बिल्कुल ये टारगेट होना चाहिए कि जो उस फील्ड की टॉप 10 या 15 कॉलेज है वही वर्थ इट अदरवाइज ग्रेजुएशन का बाहर जाके करने का कोई मतलब नहीं कौन अकाउंट्स में पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस एक्सपेंस तो अगर आप कोई भी रेगुलर कॉलेज से बाहर जाके अगर आप बीकॉम बीबीए कर लेते हैं तो हमारे मम्मी पापा का जो पैसा लग रहा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगा एक्सपेंस बनेगा एक्सपेंस मतलब उसके साथ उसका बेनिफिट खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट मतलब उसका एडवांटेज हमें लॉन्ग रन करते हैं तो ग्रेजुएशन कोर्सेज अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट चूज टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जो कि हम अभी स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं हम आराम से गूगल से लिस्ट सर्च करके निकाल सकते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजेस हैं हमारा काम आपको पर्सपेक्टिव देना ज़्यादा है तो वो हम देने की कोशिश करें प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफकोर्स हम डिटेल में नेक्स्ट चर्चा करेंगे एंड थर्ड क्या है क्रिएटिव फील्ड इसमें कॉलेजेस भी हैं जो आप डेफिनेटली चूज करेंगे क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज मैटर कर रहा है बट थियोरी के साथ साथ और बहुत क्या इंपॉर्टेंट मैटर करेगा इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ठीक है ऐसे कोई बोलेगा वो प्रोफेशनल कोर्सेज में भी लगता तो है बट उसके अंदर कोर्स के अंदर ही इनकॉर्पोरेट इसमें फोटोग्राफी की कोई कॉलेजेस बहुत कम है प्रैक्टिकली आप जितना सीखोगे वो ज्यादा बेटर इवेंट मैनेजमेंट में कल जैसी बारिश हो जाए और आपका इवेंट हो तो आप थियोरेटिकली उसको नहीं सीख सकते आपको ऑन ग्राउंड देखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका जो भी इवेंट है वो इंडोर शिफ्ट हो जाए सो दैट इज द प्राइमरी तो कौन कौन से तीन ऑप्शन है हमारे पास बताइए फर्स्ट ओनली ग्रेजुएशन करना है टॉप 10 और 15 कॉलेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स या फिर हमें क्या करना होगा ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशन या फिर क्या करना होगा ग्रेजुएशन प्लस क्रिएट ये किससे कनेक्ट करेंगे आप लव स्किल डिमांड से क्योंकि लव स्किल डिमांड में आपको जो सही लग रहा है फिर उसके बेसिस पे आप इसका परमिशन तो ये एक स्टेप हो गए तो फर्स्ट स्टेप के बाद ही आपका कौन सा स्टेप क्लोज हुआ सेकेंड स्टेप जिसमें हमने प्रोफेशनल वर्सेस ग्रेजुएशन के ऊपर थोड़ी चर्चा की और करियर हायरिंग के ऊपर चर्चा की अब हम आते हैं थर्ड सेगमेंट विच इज अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेस प्रोफेशनल कोर्सेस अभी बताया था पूरे इंडिया में कहीं से भी करोगे सेम बात होगी कि नहीं होगी लेकिन अभी भी बहुत लोग उससे अपडेटेड नहीं हैं कुछ रिलेटिव्स होंगे जो आपके पूछेंगे बेटा सीए कहाँ से करते हो कौन सी कॉलेज से करते हो तो प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई कॉलेज नहीं होती एक मदर बॉडी होती है जैसे सीए के लिए आईसीएआर ठीक है सीएफए यूएस के लिए सीएफए सीएस के लिए आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड सो ऑन तो हम अभी जो सबसे पॉपुलर और प्रेवलेंट प्रोफेशनल कोर्सेज है वो कवर करेंगे विद द लिमिटेड टाइम दैट वी हैव प्रोफेशनल कोर्सेज की लिस्ट एंडलेस है ठीक है बट मोटा मोटी आपको एक अंदाजा आ जाएगा ये देख के इन कोर्सेज में कितना समय लगता है फर्स्ट कौन सी स्किल सेट रिक्वायर्ड होती है सेकंड एंड इनका स्कोप ऑफ वर्क क्या क्या होता है थर्ड ये तीनों का जब हम कॉम्बिनेशन बिठाएंगे तो हमारा थर्ड स्टेज आ जाएगा जो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं पहले आपने थोड़ा लव स्किल डिमांड चेक किया फिर आपने कोर्सेज की लिस्ट जो अवेलेबल है वो देखी अब उस कोर्सेज ऑफ लिस्ट में अगर प्रोफेशनल एरिया में जाना है तो वो आई थिंक ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि कौन सी एग्जाम देनी है और टॉप 10 कॉलेजेस कौन से इतना फोकस कर रहे हैं आई थिंक वहां क्योंकि हर एक कॉलेज का अलग डोमेन होता है अलग सब्जेक्ट होते हैं और अलग करिकुलम है तो वो तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक ही जानना है बट प्रोफेशनल कोर्सेज हम क्यों आपको बता सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा जनरल है
फॉर्म जनरल बेस पे वर्क भी कर सकते हैं। सो इसमें कौन कौन से हैं, हम शुरुआत करते हैं। पहला कौन सा है? CA। उसके बाद क्या है? CFA US। फिर बच्चे बड़े प्यारे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिव भी है, बहुत बढ़िया, गुड। एंड लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले आ जाता है सी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वैसे ये हम जिस सिटी में रह रहे हैं उसमें घर में, बिल्डिंग में, रिलेशन में, कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी अवेयरनेस है। लेकिन मेरी ये थोड़ी दुखती रहा कि जब भी हम बात करते हैं तो लोगों के चेहरे थोड़े ऐसे ही लग रही हो जाते हैं, क्योंकि सबका ऐसा होता है यार बहुत डिफिकल्ट, यार बहुत दौड़ होती है, यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में अभी हम 5 वर्सेस 50 वाले रूल के चल चुके हैं। आप सब अभी समवेयर इन 16 to 18 ईयर्स की रेंज में। अगले 5 साल या 6 साल आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं। अगले 5 साल या 6 साल इतने इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर हम लोग दबा के मेहनत कर ले, 12 घंटा 13 घंटा 15 घंटा स्किल से डेवलप कर ले, तो नेक्स्ट 50 ईयर्स होंगे। और अगले 5-6 साल हमने थोड़ा चिल मोड ऑन, ठीक है, आराम से मजे में गुजार रहे हैं, तो अगले 50 ईयर्स फिर देखेंगे लड़ा पैदा हो। सो ये थोड़ा ऐसा पार्ट है जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको स्किल से डेवलप कर देंगे, बहुत ही हेल्प करेगा। मैम अगर आप प्लीज थोड़ा सा और सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में थोड़ी इंसाइट दे पाए। वैसे आई थिंक ये ऐसा पार्ट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम दोनों ही, ठीक है, ACCA में मैम थोड़ा हेल्प करेंगे क्योंकि उन्होंने कवर कर रखा है। CFA थोड़ा मैं बता दूंगा क्योंकि थोड़ा उस कोर्स का बेसिस हमने दे रखा है। प्रोफेशनल कोर्सेज की डिटेल्स बहुत ईजिली मिल जाए, हम उन डिटेलिंग पे नहीं जाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या वर्क कर रहे हैं आप देखोगे तो स्कोप, स्किल सेट, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन भी सिर्फ बताने के लिए, बाकी आप सब में देखोगे तो नीचे एक वेबसाइट मिलेगी। आप सिर्फ वो वेबसाइट देखोगे तो आपको प्रोसीजरल डिटेल्स मिल जाए। हम प्रोसीजरल डिटेल्स की जगह आपको भी ये बताना चाह रहे हैं कि इन कोर्सेज में क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि CA में मैम थोड़ा इंसाइट कर देते हैं। और मेरे सभी गुरु बैठे हैं उनको प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन मैं आई हूँ, मेरा सौभाग्य है। तो आई एम प्राउड MBBL और अलुमनाई मैं यहाँ की। तो फाउंडेशन आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये सारी चीज़ें जो अभी आप देख रहे हो ये डेफिनेटली अचीवेबल। जैसे भैया बता रहे थे कि कोर्सेज जो हैं वो मुश्किल है, तो जैसे CA का भी अगर मैं आपको बताऊँ, इट इज यस यू विल रिक्वायर वन मोर स्किल सेट जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं किया, दैट इज डिसिप्लिन। Any professional course that you choose will require you to sit for hours. आप tired नहीं हो सकते उस चीज़ में, ठीक है? लेकिन जब आप किसी चीज़ में बहुत discipline put करते हैं, तो उसका result भी बहुत positive निकल के आता है। हम यहाँ पे दो चीज़ों पर focus करने वाले हैं। एक आपको क्या skill set चाहिए, दूसरा उसका scope क्या होगा। तो पहले मैं scope बता दूँ, फिर हम skill set पे बात करेंगे, क्योंकि skill set is something that you can even incorporate now. अभी तो एक चालू हुई है स्किल सेट अक्वायर करने की, ठीक है? अगर मैं बात करूं स्किल सेट में, सबसे पहली चीज जो यहां पर रिक्वायर्ड है स्ट्रांग एनालिटिकल स्किल्स, समझना सब कुछ है, लेकिन कम्युनिकेटिव स्किल्स जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियस पार्ट में कि वो तो चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको आज के टाइम पे खुद को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। इवन टेक्सटाइल, थैंक यू, इवन टेक्सटाइल इज समथिंग जहां पे आजकल एग्जीबिशंस हो रहे हैं, तो पहले के ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी ट्रेडिशनल फॉर्म में नहीं हो रहे, तो खुद के अंदर कम्युनिकेटिव स्किल्स तो लानी ही पड़ेगी। सी आई बीन सिटिंग इन वन ऑफ दोस सीट्स, तो हमें पता है कि स्कूल के टाइम पे जब हमें थॉट ऑफ द डे बोलना होता था, हाथ ऐसे थर 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 कांपते थे, या किसी दिन न्यूज बोलनी होती थी तब ऐसा लगता था एक भी वर्ड गलत बोल दिया तो कैसे होगा। तो स्किल सेट इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज अक्वायर। लेट अस टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। अगर मैं CA कोर्स के स्कोप की बात करूं तो सबसे पहला, सबसे ट्रेडिशनल स्कोप होता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। आप सब ने किसी फैमिली में रिलेटिव को, किसी कजिन को, या इवन शायद आपके खुद के पापा ही CA की प्रैक्टिस चला रहे होंगे। CA की प्रैक्टिस क्या होती है कि जितने भी अदर बिजनेसेस होते हैं उनमें बैलेंस शीट PNL करेक्ट बने हैं कि नहीं, उनकी ऑडिट से लेकर सबकी इनकम टैक्स
हो, ये सारी एडवाइस देने वाला वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में काम करता है। ये एक ऐसा स्कोप होता था जो अर्लियर वहीं तक लिमिटेड होता था। अब जैसे जैसे नए नए यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं, वो स्कोप को एक्सपैंड करते जा रहे हैं। सेकेंड स्कोप है, नहीं हमको बंधना नहीं एक जगह, वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर। तो लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट्स में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स हो सकती है। इवन बड़ी बड़ी बैंक्स, उनकी ऑडिट के लिए भी सिलेक्ट किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। उनकी टीम में इंटरनल ऑडिट होती है जो कंपनीज भी कर सकती है। तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज समथिंग जो अभी करेंटली है, बट एज वी डिस्कस धीरे धीरे बैंकिंग की जो जॉब्स है वो थोड़ी रिडंडेंट हो जाएगी एंड एआई विल रिप्लेस अ लॉट ऑफ पीपल, जिसमें आई बिलीव बैंकिंग में एनालिटिकल या बैकएंड का रोल जो है वो कम हो जाएगा और कुछ रोल्स है वो एग्जिस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप देख ही रहे कितनी सारी जगह सेमिनार्स, ये सारी चीजें जो लेनी होती है उसके लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जाते हैं। वन सच एग्जाम्पल यू आर ऑलरेडी सीइंग राइट अवे। इसके अलावा अगर आपने देखें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, नाउ दिस इज समथिंग योर जनरेशन शुड फोकस अपॉन। देखिए अभी हमारी जो देश जो अमृतकाल चल रहा है उसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट फुल टू इस प्लान में है कि हम ज्यादा से ज्यादा बाहर का काम इंडिया ला सके। जो काम करेंटली इंडोनेशिया में भी बहुत सारी जगहों पे चल रहा है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा उस काम को हम अट्रैक्ट करके इंडिया ला सके, जितना भी ओवरसीज काम है। बिकॉज जैसे इंडिया में जीएसटी अप्लाई हुआ है, वैसे फोटका लॉज है और भी अलग अलग लॉज है जो मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं धीरे धीरे, अब उनका काम कौन करेगा? सी कोई कितना भी बोल ले, अपने इंडियंस से ज्यादा हार्ड वर्किंग या इतने घंटे लगातार काम करने वाले लोग पूरी दुनिया में बहुत लिमिटेड होते हैं। सो दे रियलाइज अवर इंपॉर्टेंस, ठीक है? तो बाहर का काम इंडिया लाना इज वन थिंग। सेकेंड, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है, आपने आई बिलीव ऑलरेडी एक्स एमबीपी अलुमनाई आकाश रड्ढा का भी सुना है, उसका भी आपने आई थिंक एक वीडियो भी देखा था। तो यू रियलाइज कि वहां पे उसने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस डाला है अपना खुद का सीए का। तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज वो भी है, आप जॉब करने भी बाहर जा सकते हो। अपनी इंस्टीट्यूट के बहुत सारी टाई अप्स दूसरी कंट्रीज में भी है, तो आपको दुबई जैसी कंट्रीज में भी जॉब मिल सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज एज मच एज यू वॉन्ट टू अक्वायर, ठीक है? देन अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, सी वन मोर एमबीपी अलुमनाई आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिनेश कोठारी फ्रॉम द बैच ऑफ 11-12। उनने सीए किया, सीएफए किया और सारी पढ़ाई करने के बाद में अपने पेरेंट्स को फैक्ट्री में ज्वाइन कर लिया। सो इनिशियली सबने क्या कहा कि भाई इतनी पढ़ाई करी और करना क्या था, आगे आके मिल में ही बैठना था, क्या मतलब इतने साल इतना पैसा बर्बाद करके। बट वॉट यू नीड टू रियलाइज इज इसकी वजह से उन्होंने इतने सारे सॉफ्टवेयर्स अपनी खुद की मिल में लगाए, कितनी सारी प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया। द आइडिया इज नॉट टू ओनली अक्वायर एनी प्रोफेशनल डिग्री कि हम उसमें ही जॉब करें, आप नॉलेज अक्वायर करिए और उसके बेसिस पर कोई भी बिजनेस को ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको स्किल सिखाता है। अपने कितनी बार इस चीज पे जोक करते हैं कि मैथ हमें क्या सिखाता है, ट्राइंगल या पाइथागोरस थ्योरम रियल लाइफ में कहां काम आएगा? भाई आएगा, इट इज शार्पनिंग योर ब्रेन एंड देन यू विल रियलाइज इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट फाइंडिंग एक्स, इट इज अबाउट फाइंडिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट, हैविंग दैट अप्रोच। तो एक वो वाली स्किल सेट आपकी हो गई सर सब्जेक्ट्स के ऊपर। आई थिंक ये ऐसा कोर्स है जिसमें आप देखोगे तो मोस्टली कॉमर्स में एक बिजनेस के रिलेटेड जितने भी डोमेन्स होते हैं वो सब टोटल। अब मैं बताता हूँ प्रोफेशनल कोर्स में लोग वर्क कैसे करते हैं। अभी 1980 से 2000 तक या 1980 से 1995 तक एक ऐसा दौर होता था जहाँ पे लोगों ने एक डिग्री ले ली ना, दे आर लाइक बहुत पढ़ा लिखा। फिर 1995 से 2010 तक आई थिंक जिसमें मैंने मेरी स्कूलिंग और पढ़ाई कंप्लीट की है, वो दौर ऐसा था जिसमें दो डिग्री लेने के लिए तैयार है बहुत बढ़िया। उसके बाद अभी ऐसा दौर चल रहा है जहां पे सुपर स्पेशलाइजेशन की बात है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस सुपर स्पेशलाइजेशन के एक ग्रेजुएशन कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स और प्रोफेशनल में भी आप और डोमेन में जा रहे हैं। ये चीज पहले से डॉक्टरी में ही होती है कि हमने पहले एमबीबीएस कर लिया, फिर हम एमडी में थोड़ा स्पेसिफिक जा रहे हैं कि किडनी के हैं, कि ऑर्थोपेडिक है, हड्डी के हैं, कि ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, कि किस में हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, सो दैट उसका बहुत डिटेल हो जाता है। ये सेम चीज आज की डेट में कॉमर्स के फील्ड में भी लागू।
जहां पे लोग टारगेट रखते हैं 3 degrees का या 4 degrees का, जैसे कि एक ग्रेजुएशन तो कर दिया, साथ में आपने प्रोफेशनल कोर्स चूज किया। अब सीए कैसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें सारे डोमेन्स लगभग लगभग कवर, सारे डोमेन्स का 80% टैक्स, अकाउंट्स और ऑडिटिंग, ये 3 का 100% आप पढ़ेंगे। बट आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज 80 से 100 में जाकर आप सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए क्या कर लेंगे, सीएफए कर। आपको लॉ में बहुत मजा आ रहा है और आपको प्रोसीजर्स में जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 80 to 100 में जाना है तो कंपनी सेक्रेटरी चूज कर सकते हैं। आपको कॉस्टिंग में बहुत मजा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, 80, 70 से 100 में जाना है तो आप सीए में कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है और आपको उस पर जाना है तो आप ACCA एडिशनली कर सकते हैं। दिस इज द करेंट ट्रेंड। और करेंट ट्रेंड में एक और चीज हम ऐड करेंगे, पैलमन क्या आपने मैथ लिया था क्या 11th? ये बहुत जनों को मिथ होता है कि 11th 12th में हमने मैथ नहीं लिया था हम गग्गा बन पड़ा हो क्या, हम ऐसे अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। आई थिंक हम तो जिस बोर्ड से हैं स्टेट बोर्ड, उसमें मैथ होता ही नहीं था ऐसा। स्टिल सीए की जर्नी बहुत सक्सेसफुली इजीली कवर हुई। पायलट ने अपना एग्जाम्पल दिया और सिर्फ हीरो एग्जाम्पल है कि नॉन मैथ स्टूडेंट कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, उसका दूर दूर तक कोई भी लेना देना ऐसा नहीं। सबके फर्स्ट स्टेज में मैथ आएगा बट आप डेडिकेटेड एफर्ट्स डालेंगे तो बहुत ईजीली हो जाएगा। बहुत जल्द सिर्फ इस फोबिया के कारण उस कोर्स को हटा देते हैं और एनी प्रोफेशनल कोर्स यू कैन चूज इट। अब हम क्या बता रहे थे, ये डोमेन एरियाज, तो डोमेन एरियाज में आप देखोगे अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, लॉ, ये सारे के सारे डोमेन्स कवर करते हैं। एक बिजनेसमैन किससे रिलेटेड डिसीजन लेता है, मुझे प्राइसिंग कैसे करनी है इकोनॉमिक्स, मुझे अकाउंटिंग कैसे करनी है अकाउंटिंग, कहीं मैं फंस गया तो मुझे क्या बेसिक ध्यान में रखना है लीगल, मुझे कितना टैक्स भरना है, जीएसटी का क्या डिमांड है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, मुझे प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना रखना है कॉस्टिंग, ये सारे डोमेन जो है वो सीए कवर कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे डोमेन है जिसमें हमारा सुपर स्पेशलाइजेशन भी हो सकता है, तो देयर आर मेनी पीपल हु चूज सीए एज देयर बेस कोर्स एंड देन फर्दर डू सुपर स्पेशलाइजेशन। दिस इज मोर फॉर दोस पीपल हु आर प्लानिंग टू स्टे इन सूरत आफ्टर स्टैंडर्ड 12, क्योंकि सूरत में ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग ऑप्शंस नहीं, मैं डिमी नहीं करना चाहता हूं यहां के कॉलेज ऑप्शंस को, बट मैं रिलेटिवली कंपेयर करके बता रहा हूं। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप देखें तो आर सिटी इज समथिंग जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन का बेस हमने ऑलरेडी बताया कि कैसे कैसे आपको कवर अप करना है। सो अगर हम डोमेन की बात करें तो सीए इज समथिंग विच विल गिव यू समथिंग अबाउट एवरीथिंग, एंड देयर आर अदर कोर्सेज विच विल गिव यू एवरीथिंग अबाउट समथिंग। जैसे सीएफए विल गिव यू एवरीथिंग अबाउट फाइनेंस, सीएमए विल गिव यू एवरीथिंग अबाउट कॉस्टिंग, कंपनी सेक्रेटरी विल गिव यू एवरीथिंग अबाउट कंप्लायंसेस एंड कंपनी लॉ, एंड एक्चुअरियल साइंसेस विल गिव यू एवरीथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो आपको क्या बेस डिग्री रखनी है और क्या रखना है। अब बहुत सारे जन ये नहीं क्लियर होते हैं कि उनको सुपर स्पेशलाइजेशन किस पे करना है, तो ये बेस डिग्री हो सकती है। जो लोग पहले से क्लियर है उन्हें बाहर जाना है उनके लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम टॉप डी स्कूल हो सकता है, और जो लोग सूरत में रहकर पहले से क्लियर है कि सुपर स्पेशलाइजेशन करना है उनके लिए बाकी प्रोफेशनल कोर्स हो सकते हैं। दिस इज हाउ योर डिसीजन मेकिंग शुड बी मेड। सो ये पर्सपेक्टिव आई थिंक बनता है। मैं वेट कर लेता हूँ 1 मिनट, वो बॉयज ग्रुप थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा है, आई वेट फॉर अ प्रॉब्लम। ओके थैंक यू वेरी मच। सो ये प्राइमरीली आपका सीए का बात हुआ। फिर हमारी नेक्स्ट डिग्री आ जाती है सीएस, किसमें सुपर स्पेशलाइज कराएगा आपको बताइए, लॉ एंड कंप्लायंसेस। अगर आप कंप्लायंसेस में थियोरी में डेडलाइंस मीट करने में बहुत अच्छे हैं, कंपनी सेक्रेटरी कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। कैसे, बिकॉज बहुत सारी बड़ी कंपनीज में एक स्पेशल पर्सन चाहिए जो टाइमली कंप्लायंसेस को मीट कर पाए, किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास, किसके पास, डायरेक्टर्स के पास, तो देयर इज वन पर्सन हु
gives you specialized services about this? वो कौन कवर करता है? कंपनी सेक्रेटरी. ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं, वेबसाइट का नाम दिया है वो भी लिख सकते हैं. स्कोप कंसल्टेंसी और जॉब्स इन कॉर्पोरेट. एंड स्किल सेट में जैसा कि मैंने बताया आपको मेंशन किया हुआ है कि आपका डेडलाइन कंप्लायंसेस वाला और थ्योरी वाला अंदर उसमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो जिन लोगों को थ्योरी बहुत स्ट्रांग है और प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा उनको लगता है यार डिफिकल्ट, ये ध्यान रखना सारे प्रोफेशनल कोर्सेज में लगभग सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन किसी में ज्यादा एम्फेसिस टैक्स ऑडिट अकाउंटिंग पे होता है, किसी में ज्यादा एम्फेसिस लॉ पे होता है, किसी में ज्यादा एम्फेसिस कॉस्टिंग पे होता है, वो वाला. सर एक चीज खाली मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हम सीएमए सीएस और सीए तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको एक चीज बता देती हूँ. इफ यू फील लाइक सीए इज टू मच फॉर अस एंड वी कैन नॉट रीड ऑल दी सब्जेक्ट्स और हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं पर भी हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वी कैन ऑलवेज चूज सीएस और सीएमए. बट देयर इज समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट ऑल दीस थ्री डिग्रीज. जो अपना कंपनीज एक्ट होता है उसमें हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी, स्टैट्यूटरी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है. देन देयर इज कंपनी सेक्रेटरी, हर कंपनी को हायर करना मैंडेटरी नहीं है, उसके लिए एक लिमिट है सेक्शन 205 के हिसाब से. तो वहां पे कुछ ही बड़ी कंपनीज को हायर करना पड़ता है, तो उस हिसाब से जो सीएस की जॉब लगती है वो कंपेरेटिवली लिमिट हो जाती है. प्लस जो हम कंप्लायंस की बात कर रहे हैं तो रिटर्न्स फाइल करना, मीटिंग में लोगों को बुलाने के लिए इनविटेशन ड्राफ्ट करना, ये सारे काम भी सीएस के होते हैं, जो आज आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से काफी रिप्लेस हो गया. वी ऑल हर्ड ऑफ चैट जीपीटी एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वो चीजें ड्राफ्ट करके देता है. तो जो ह्यूमन राइटिंग स्किल्स है वो सारी चीजों को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है. अगर मैं सीएमए की बात करूं तो सीएमए भी कॉस्ट ऑडिट करता है. कॉस्ट ऑडिट के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओनली 77 टाइप्स ऑफ कंपनीज निकाल रखी है जिनको ही कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी होता है. तो इनकी भी प्रैक्टिस होती है, पर इनकी प्रैक्टिस में यू हैव टू बी वेरी प्रोफिशिएंट कि जिन बड़ी कंपनीज को ये करवाना है वो फिर आप ही के पास आए, तो लिमिट हो जाते हैं आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो पॉसिबल. सो कंपैरिजन अगर देखिए, अगर आपको कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सुपर स्पेशलाइजेशन करना है सीएमए, आपको लीगल एरिया में और कंप्लायंसेस में, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड लीगल एरिया की बात करूं तो सीएस. एंड अगर आपको ओवरऑल एक डोमेन चाहिए फॉर बिजनेस पार्टनर बन जाता है सीए. कुछ इसमें पूछते सर एलएलबी भी लॉ में कवर नहीं होता क्या? वो स्पेसिफिक लॉज है दैट विल बी कवर्ड अंडर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन. तो कुछ जो जिनको डायरेक्टली लॉ करना हो वो स्ट्रेट अवे क्लैट करके एग्जाम होती है, वो एंट्रेंस एग्जाम देके उसके थ्रू जा सकते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हर एक कोर्स की जो बाहर आप सूरत से बाहर प्लान करो तो उनके एंट्रेंस एग्जाम होती है, और कुछ कॉलेजेस मिलकर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं जैसे सीयूईटी. इन सब में ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो थियोरेटिकल या नंबर क्रंचिंग स्किल है वही इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए. इनमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, इंटरव्यू को क्रैक, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना एक बात होगी बट एग्जाम के बाद जो सेकेंड डेडलाइन में आपकी और स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें आपकी प्रोफाइल के साथ साथ आपका इंटरव्यू भी काफी सारी कॉलेजेस कलेक्ट करते हैं. तो योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इफ यू आर प्लानिंग दैट. ठीक है, नेक्स्ट तीन कोर्स पे क्विक चर्चा करेंगे. नेक्स्ट तीन कोर्स है हमारे एक्चुअल सर्विस CFA US and ACC. अब वापस मैं पहले थोड़ा इस पे चर्चा करता हूँ. जिन लोगों अभी देखो अभी MBA थोड़ा फैशन है, ठीक है, किसी से भी पूछेंगे ना 11th 12th में जनरली तो बोलेंगे सर CFA करना, ठीक है, क्यों करना है सर? बस स्टॉक मार्केट में लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मजे ही मजे, वो वाली बात हो रही है, पीपल आर अर्निंग गुड, डूइंग गुड, सो विद दैट पार्ट दे आर लाइक CFA से तो मेरा थोड़ा जर्नी वाला शान है. तो प्लीज समझिए, फैसिनेशन एक होता है और पैशन एक होता है. ओनली चूज दिस कोर्स इफ यू आर वेरी मच पैशनेट. जो आपको टेम्पररी लग रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट में दो स्टॉक देख रहा था और उनकी प्राइस बढ़ गई और मैंने पिक किया था एकदम सही गोल्ड, आई फाउंड द गोल्ड, इसके कारण ऐसा हो गया, वो नहीं. तो ये कब पता चलेगा? जब आप फाइनेंस थोड़ा पढ़ोगे. तो ग्रेजुएशन में भी आपको फाइनेंस आता है सब्जेक्ट, और आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ले लो सीए सीए सीएमए, इन तीनों में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स होता है. ये जब आप कंबाइन करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि एफएम क्या है, उसमें अगर आपको इंक्लिनेशन हो रहा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सुपर स्पेशलाइजेशन कराता है हमारा कोर्स कौन सा? सीएफए यूएस, जो आपको अलग अलग डोमेन एरियाज लाइक रियल एस्टेट,
कमोडिटीज, एक्विटी मार्केट्स, डेरिवेटिव्स, करेंसीज, इन सब एसेट क्लासेस की नॉलेज देगा, जो आपको हेल्प करेगा कि आप वेल्थ मैनेजमेंट कर पाए, लोगों को सलाह दे पाए ऑन व्हाट टू पिक व्हाट नॉट टू, कंपनी के फंड्स को मैनेज कर पाए, रिस्क एनालाइज कर पाए एंड सो ऑन। सो दिस इज CA, CMA एंड CS के बाद CFA। अब आ जा रहा है नेक्स्ट एक्चुअरियल साइंसेस। क्या किसी ने इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा कुछ होता है, आप लोग जर्नल एंट्री करते हो, मैंने सुना है ऐसा। अब वो इंश्योरेंस प्रीमियम कौन नक्की करता है? एक्चुअरीज का उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो लोगों को मैथ और स्टैट के मॉडल्स बना के प्रेडिक्ट करना होता है। क्या प्रेडिक्ट करना होता है? कि आने वाले टाइम में डेथ रेट क्या होगी, बर्थ रेट क्या होगी, कितने लोगों, हमारी पॉपुलेशन कहां पहुंचेगी। सो तो जिन लोगों को स्टैट्स और मैथ्स में जबरदस्त इंटरेस्ट है, दे कैन गो फॉर दिस पार्ट। ये इतना कम लोग ऑप्ट करते हैं कि अभी तक इंडिया में टोटल एक्चुअरीज ओवरऑल 5,000 से 10,000 की रेंज में भी नहीं, आप समझ लीजिए। सो द डिमांड फॉर दिस विल बी डेफिनेटली वेरी ह्यूज, बट इसमें 13 पेपर्स पूरे क्लियर बहुत कम जन ही कर पाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि 7-8 पेपर भी आप कवर कर लो, सी यू आर एबल टू डू वेरी गुड फाइनेंशियल एटलीस्ट इन फॉर्म ऑफ अ गुड नॉलेज, अ गुड जॉब एट कॉर्पोरेट्स। सो दिस इज मोर अबाउट मैथ एंड स्टैट विच इज एक्चुअरियल साइंसेज। एंड जैसे अगर हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा ACCA। मैम क्विकली अगर आप बता दे तो। जी सर, जैसे इसके पहले वाले जो दो कोर्स थे वो सुपर स्पेशलाइजेशन थे इन एनी सब्जेक्ट दैट यू लव, तो जब हमने जैसे अपना अपना खुद का डिग्री किया होगा तो सर फाउंड अ प्रोफाउंड लव फॉर फाइनेंस, इसलिए उन्होंने CFA US चूज किया। बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय सब्जेक्ट्स आई कुड नॉट पिक वन, मुझे ऐसे नहीं हुआ कि मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा लग रहा है या कॉस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बट आई स्टिल वांटेड टू एक्सपैंड द होराइजन। तो एक ऐसा कोर्स आता है अभी आपके पिक्चर में ACCA विच इज इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स, सारे वही CA वाले सब्जेक्ट्स है बट वो इंटरनेशनली कवर होते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश काउंसिल का कोर्स है। अब CFA और ACCA जैसे कोर्सेज के बारे में एक छोटी सी वार्निंग ये दे दूं कि क्योंकि ये फॉरेन कंट्री के कोर्सेज होते हैं, देते आप यहीं पर बैठ करो, जाना कहीं नहीं पड़ता है, घर से ही दे सकते हैं ये पेपर्स, लेकिन क्योंकि ये दूसरी कंट्री के होते हैं इसलिए फाइनेंशियली बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि इसमें केस स्टडी बेस वैसे सिनेरियोज आ जाते हैं तो थोड़े मुश्किल पड़ते हैं अगर इसके पहले आपने कुछ बेस नहीं पढ़ रखा होता है। तो अगर मैं अपना खुद का ही पर्सनल एक्सपीरियंस आपको छोटा सा शेयर करूं, तो मैंने पहले मेरा प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट किया इंडिया वाला, उसके बाद मुझे बहुत सारे पेपर्स में तो एग्जेप्शन ही मिल गया क्योंकि टाइप्स होता है इन इंस्टीट्यूट का इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ, तो आई हैड टू ओनली गिव 5 एक्स्ट्रा पेपर्स और उसके बाद ये डिग्री हो गई। अब इसमें एक फायदा ये होता है कि पहले से आपने उन सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होते हैं तो आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये तो हुई बात सब्जेक्ट की। अब क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, ये डिग्री आपको काम तभी आएगी केवल जब आपका प्लान हो कि आप किसी ऐसी फर्म या कंपनी के साथ एसोसिएट हो जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एटलीस्ट डील कर रही हो, वरना आपको इसका कोई एडिशनल एडवांटेज सूरत में बैठकर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप जैसे अगर ये डिग्री कर लेते हैं तो शायद आपको मुंबई जाना पड़े, बिग फोर के साथ एसोसिएट होना पड़े, या ऐसी कंपनी जिसके हेडक्वार्टर इधर हो पर दुनिया भर में ब्रांचेस हो वो आपकी सर्विसेज यूज कर सकती है, या फिर दूसरी चीज ऐसी कि आप अगर इंडिया के बाहर ही जॉब लेना चाह रहे हैं तो ऐसी डिग्रीज आपको हेल्प करती है। तो विद दैट कॉशन यू कैन ऑलवेज परस्यू, क्योंकि अभी कॉलेजेस भी बहुत पुश कर रही है इस डिग्री को, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर मैं अक्वायर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे यूज है कि नहीं इस डिग्री का। So that's it about 6 professional courses. इसके अलावा और भी कुछ risk management के ऊपर courses है, but ये थोड़े जो more prevalent courses है वो हमने cover किए with the timing that we had. Now last part of 4th part है, हमने सारे graduation part cover कर दिए, ठीक है। क्या दिया है इसमें, किसपे चर्चा हो रही है? MBA. अब बहुत जनों को ऐसा है कि eventually MBA करना, अभी current trend क्या है, लोग थर्ड ईयर के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए कर ही नहीं, वो लोग कब कर रहे हैं पता है? वर्क एक्स के बाद, क्योंकि टेक्निकली बी स्कूल्स जो टॉप बी स्कूल्स है वो ले भी उन लोगों को ज्यादा रही है जिनके पास वर्क एक्स है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ बीकॉम या ग्रेजुएशन किया है, मतलब आप थर्ड ईयर के बाद अगर जा रहे हो तो आपने बिजनेस को तो कोर्स से देखा ही नहीं, अगर देखा ही नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है तो उसका सॉल्यूशन लाओगे कैसे? तो वेन यू हैव अ 1.5 ईयर 2 ईयर वर्क एक्स, उसके बाद अगर आप एमबीए के लिए जा रहे हो तो रिलेटिवली बेटर होगा,
a very good graduation course from a top college, or you must be doing any of the professional course for that matter. सिर्फ एक नॉर्मल कॉलेज से बीकॉम बीबीए से टॉप बी स्कूल में, मैं टॉप बी स्कूल की बात कर रहा हूँ, जैसे आईएमएस हो गए, आईआईटी हो गया और कुछ एनएमआईएमएस हो गया, ठीक है, और कुछ चीजें और ऐड कर दो उसमें, ऐसी भी स्कूल्स ये दो चीजों को बहुत प्रेफरेंस दे रही है, इधर अ वेरी गुड कॉलेज और गुड अमाउंट ऑफ प्रोफाइल इन दैट मींस यू आर रिप्रेजेंटिंग अ वेरी गुड कॉलेज. ये दोनों नहीं है तो आपका एमबीए तो अच्छी भी स्कूल से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो आप जब भी 12th के बाद अपने करियर की प्लानिंग करते हैं तो ये बेस कर सकते हैं. सो टेक्निकली अभी आइडियल सिनेरियो ऐसा चल रहा है, मुझे पता है आप में से काफी जन ऐसा बोलेंगे कि इतना पढ़ाई कौन करेगा, लेकिन आप जब करने लगेंगे तो आपको मजा आने लगेगा. वो वाली चीज है अ ग्रेजुएशन कोर्स अलोंग विद दैट अ प्रोफेशनल कोर्स. फिर इफ यू विश यू कैन गो फॉर सुपर स्पेशलाइजेशन एंड देन आफ्टर अ वर्क एक्स ऑफ सम पार्ट यू कैन गो फॉर एमबीए और a graduation course for a very good B school, then internship or work ex, and then an MBA from good B school. And all those who at any point of time feel के नहीं मेरे को जो मेरे को करना है लाइफ में उसके लिए मेरे पास स्किल सेट आ गया है, तो आप उसी टाइम पे अपना जो entrepreneurship है या family business है उसमें enter कर सकते हैं, क्योंकि MBA दो चीज से आता है, एक college में जाके और एक आप जब खुद के business में आएंगे तो कहाँ गड़बड़ी हो रही है वहां से आपका daily learning से सीख जाए. So that is how it is being done. So here we conclude our all the four agendas for today. I would once again like to thank all of the school authorities for having us here, and of course a big round of applause for you, the audience. You have been very, very wonderful. I think most of you are right on track today, and बहुत सारी चीजें जो मैं फ्रंट रोज में तो देख पा रहा हूँ काफी सारा नोटिंग भी लिया है. So we wish के हमने थोड़ा value added. थॉट प्रोसेस में किया है, आप उस जंक्शन पे हो कि बहुत जल्द जल्द सलाह लेके आप चीजों को कंप्लीट एंड क्लोज करें तो बहुत बढ़िया होगा. उसके लिए टॉक टू योर मेंटर्स, टॉक टू योर टीचर्स, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स जो बी डूइंग दैट, और उनका इनपुट जरूर ले इन योर जर्नी. विश यू ऑल द बेस्ट, आप सब बहुत आगे बढ़े और खूब प्रगति करें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर फॉर योर सोर्सफुल करियर डिस्कशन. I hope children will be now able to identify what they learn, which related skills they should master, and also recognize the global demand of particular career. I hope all of you understood what he has said about skill set, and the best is communication skills. So I hope you'll work on it and choose the particular career according to your liking. Wish you all the best for all the endeavors. Which sir has told you, you will learn something and take decision sooner, so that you make better, be better off in your life. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am.